रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच अब तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। दुनिया के सभी देशों की नजर इस युद्ध पर है क्योंकि रूस से दुश्मनी रखने वाले कई देश चुपके से इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इसी बीच रूस के एक सहयोगी देश ने कुछ ऐसा प्लान बना रखा है कि तीसरे विश्व युद्ध को टालना मुश्किल लग रहा है। दरअसल रूस के सहयोगी देश चीन का ताइवान के साथ संघर्ष और तनातनी लगातार जारी है। चीन ये जानता है कि पूरी दुनिया की पैनी नजर रूस यूक्रेन युद्ध पर टिकी हुई है। इसी बीच मौका पाते ही चीन ने फिर ताइवान की धरती पर अपनी हरकत तेज कर दी है और चीन की इस हरकत से कभी भी शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। आपको बता दें, चीन ताइवान को युद्ध के लिए लगातार उकसा रहा है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने 2 दिनों तक चीन के 26 सैन्य विमानों और 7 नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि चीनी जहाजों को गुरुवार यानी 20 जुलाई सुबह से शुक्रवार 21 जुलाई सुबह के बीच ट्रैक किया गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 6 सैन्य विमान और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के 5 जहाजों को ताइवान के आसपास ट्रैक किया गया। चीन ने ताइवान और अमेरिका को चुनौती देने के लिए अपने विमानों में से 13 विमानों को मध्य रेखा के पार करवाया, या कह लें कि ताइवान के एयर डिफेंस जोन में प्रवेश करवाया, जिससे युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। चीन जिन विमानों का इस्तेमाल ताइवान को उकसाने के लिए कर रहा है, ये चीन के युद्ध के लिए तैयारी को भी दिखाते हैं। ताइवान के डिफेंस जोन में ट्रैक किए गए विमानों में 1 हरबिन रेकी ड्रोन, 4 सुखोई SU-30 फाइटर जेट, 5 शेनयांग J-16 फाइटर जेट, 2 J-10 फाइटर जेट और 1 हरबिन J-9 युद्धक हेलीकॉप्टर शामिल थे। इसका साफ मतलब है कि चीन ताइवान की तरफ से होने वाली सिर्फ 1 गलती का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद महाविनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि चीन ने जुलाई में अब तक ताइवान के आसपास 332 सैन्य विमान और 139 नौसैनिक जहाज भेजे हैं। दोनों देशों के बीच तनातनी अमेरिकी स्पीकर के दौरे के बाद तेज हुई है। पेलोसी के दौरे के बाद चीन का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि हम चीन के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन चीन जिस तैयारी से ताइवान को घेरने में लगा है, इससे ये साफ है अमेरिका और ताइवान से टकराने को अब तैयार है ड्रैगन।